दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए की जांच की सिफारिश की है। इस वक्त हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय जी मौजूद हैं। सर, आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे फंडिंग ली गई, 133 करोड़ की फंडिंग ली गई, जैसे बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव भी नजदीक है और इतने बड़े आरोप भी लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, ये इस बात का साफ संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार रही है। पंजाब में, अगर आपको याद होगा, पंजाब में जब बुरी तरह से भाजपा चुनाव हारने लगी थी तो इन्होंने पंजाब चुनाव से जस्ट पहले इसी तरह के फर्जी षड्यंत्र करके आरोप लगाए थे। पंजाब की जनता ने बुरी तरह से भाजपा का जमानत जब्त करके इसका जवाब दिया था। ये फिर षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता, अभी तो केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, उससे ही जनता आक्रोशित है। ये जो षड्यंत्र भाजपा कर रही है, और एलजी साहब तो देखो भाजपा के एजेंट हैं, जो वो कहते हैं वो उनको करना पड़ता है, नहीं करेंगे। सिख फॉर जस्टिस से क्या कोई भी पॉलिटिकल फंडिंग ली गई थी या नहीं ली गई थी? मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूँ, पंजाब में जितने आरोप लगाए थे उसका क्या हुआ? गृह मंत्रालय ने उसकी जांच सेट की थी, कहाँ गया? यानी नहीं लिए गए, बेबुनियाद है ये आरोप। षड्यंत्र तो केवल है, और ये कुल मिलाकर के ये शुभ संकेत हैं कि ये बता रहे हैं कि भाजपा बुरी तरह से पंजाब की तरह लोकसभा का चुनाव हार रही है। आज हमने देखी सर तस्वीरें, आप कन्हैया जी के साथ में नॉमिनेशंस पर भी गए थे, उनके नॉमिनेशंस को लेकर और उससे पहले जो पूजा पाठ देखने को मिला उस पर भी बहुत तंज कसा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि कन्हैया पूजा पाठ को मानते नहीं थे, कहीं ना कहीं लेफ्ट संगठन से जुड़े हुए थे। अब इमेज सुधारने की कोशिश की जा रही है कन्हैया की, हिंदूकरण किया जा रहा है, हिंदुत्व की राजनीति कहीं ना कहीं दिख रही है। इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? अरे वो तो खुद ही कन्हैया है, ऐसी तस्वीरें आई नहीं उसको लेकर जो सवाल उठ रहा है, पूजा पाठ कन्हैया का कभी करते हुए देखा नहीं गया। मेरे ख्याल से तो क्या पूजा कर दिया तो किसी को दर्द होने लगा, वहां भी हार्ट के डर लगने लगा। भाई इस देश में सब लोग अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपना पूजा पाठ कर्म करते हैं। देखो मैं एक एक चीज नोट कर रहा हूँ, दिल्ली के अंदर सातों लोकसभा सीटों पे सातों कैंडिडेट ने आज अपना नामांकन पूरा कर लिया है। सब लोगों ने अलग अलग तरीके से अपना नामांकन किया, हर कैंडिडेट करता है। मेरे ख्याल से भाजपा का जिस तरह से हर चीज पे बेचैनी दिख रही है वो जनता की वजह से है। जनता दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री की जो गिरफ्तारी है उससे आक्रोशित है। सड़क पर आवाज नहीं उठा सकती क्योंकि उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा। 25 मई का लोग इंतजार कर रहे हैं, भाजपा के हर षड्यंत्र का, हर तानाशाही का, हर दमन का जवाब 25 तारीख को इस जेल का जवाब होगा। आखिरी सवाल रहेगा सर मेरा, संविधान बचाने की बात आप लोग लगातार कह रहे हैं, कन्हैया भी अपने भाषण में लगातार यही संबोधन में कह रहे हैं कि संविधान को बचाना है। भाजपा का इसमें पक्ष है कि अगर हमें संविधान बदलना होता तो इन सालों से हम सत्ता में थे, हमने बदल दिया होता, तो ये जो परसेप्शन है वो गलत बनाया जा रहा है उनके लिए। ये तो भाजपा के नेता ही घूम घूम कह रहे हैं कि 400 सीट दे दो संविधान बदलना है। 400 सीट सरकार बनाने के 272 सीट चाहिए, 400 सीट तो भाजपा के नेता ही घूम घूम मांग रहे हैं और कह रहे हैं, हम थोड़ो कह रहे हैं। यानी आपका मतलब है 400 सीट इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि संविधान बदलने के नेता कह रहे हैं ये, मैं थोड़ो कह रहा हूँ, भाजपा के नेता यही घूम घूम कह रहे हैं गली मोहल्ले में, इस बार 400 देना संविधान तभी बदल सकते हैं, 400 देना तभी संविधान बदल सकते हैं। ये संविधान भीख में नहीं मिला है, लाखों लोगों की कुर्बानियों के दम पर मिला है। भाजपा के इस मंसूबे को देश के लोग कभी कामयाब नहीं देने। संविधान बदला तो देश की हमारी आजादी खत्म हो जाएगी, इसलिए संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरा देश खड़ा हो रहा है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आपको नजर आएंगे गोपाल राय जी, अब से कुछ देर पहले जनसभा को संबोधित करने के लिए दिल्ली के लक्ष्मी नगर पहुंचे हैं। साफ तौर पर दावा किया जा रहा है कि जो भाजपा द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं वो चुनाव के मद्देनजर है, कहीं ना कहीं ये भाजपा की बौखलाहट नजर आती है, भाजपा हार रही है दिल्ली में, इसलिए इस तरह के षड्यंत्र का प्रयोग किया जा रहा है। कैमरामैन धर्मेंद्र झा के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज दिल्ली।